वेलकम टू एरोमेटिक कुकिंग। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाए हैं जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। कोई इसको सब्जी के रूप में खाना पसंद करे या ना करे, बट कोफ्ते के रूप में ज़रूर खाई जाती है ये रेसिपी। बड़ों से लेके बच्चों तक को पसंद आए। कैसे बना सकते हैं इस रेसिपी को आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लौकी कोफ्ता रेसिपी, जिसे हम कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ की लौकी को दो पीसेस में कट कर लेंगे, या फिर आप इसमें दो लौकी भी ले सकते हैं। 1 kg लौकी या फिर आप 700 ग्राम लौकी का इस्तेमाल करिए 4 से 5 लोगों के लिए। यहाँ पर हमने लौकी को ग्रेट कर लेना है, और मैं ग्रेट इस तरह से करूँगी कि इसका वाइट वाला पार्ट रह जाए, और साइड्स में अच्छे से यूज़ कर लूँगी ताकि इसमें से मॉइस्चर रिलीज ना हो जब हम कोफ्ते बनाएं। इसीलिए वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको वेस्टेज बचानी है ना, इसीलिए मैंने इसका वाइट वाला पार्ट एक तरफ रख दिया है। इस तरह से मैंने ग्रीन वाले पार्ट को निकाल लिया है सभी ग्रेट करके। अब यहाँ पे हम थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि चिली पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 teaspoon ऐड कर दीजिए धनिया पाउडर, 1 teaspoon हल्दी या फिर 1/2 teaspoon हल्दी, एज पर द टेस्ट आप इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सेसमे सीड्स। ससमे सीड से इसमें क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आ जाती है, साथ में देखने में भी अच्छे लगते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं बेसन। बेसन हम यहाँ पे लगभग 1 cup के अराउंड इस्तेमाल करेंगे। ये 1/2 cup बेसन मैंने अभी ऐड किया है। मैं 2 बार में बेसन को ऐड करूँगी, जितना इसकी कंसिस्टेंसी मुझे मेनटेन करनी होगी। बहुत ज़्यादा टाइट भी इसका मिक्सचर नहीं करना है। तो अभी देखिएगा, आप इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं ना, तो ये मॉइस्चर रिलीज़ कर देती है। लौकी वैसे भी थोड़ी सी देर रखने के बाद में सौगी होने लगती है। जब हम इसको रॉ रखते हैं तो देखिएगा आप, इसको मॉइस्चर अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। इसमें 2 बार में मैंने बेसन को ऐड कर लिया। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे बाद में। नमक मैं इसलिए बाद में ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें हमें नमक ऐड करने के बाद में मॉइस्चर रिलीज़ होगा, तो मैंने नमक लास्ट में ऐड किया है। बस थोड़ा सा बेसन और ऐड करके नमक के बाद में मैं इसको बाइंड कर लूँगी। यहाँ पर और ज़्यादा मसाले ऐड करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर बाइंड हो चुका है डो अब हमारा। इसके लिए अब हम ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर ले लिए हैं, 3 से 4 टमाटर। प्याज लहसुन आप ले सकते हैं, बट मैं आज जो ग्रेवी बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के कैसे बना रही हूँ वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने जो स्टफिंग पार्ट था ना लौकी का, वाइट वाला पार्ट, तो वो हमने इसी मिक्सचर में ग्राइंड करने के लिए ले लिया है। अनियन गार्लिक आप ले रहे हैं तो अनियन गार्लिक को भी अलग से ग्राइंड कर सकते हैं। बस ऑयल को हमने हीट कर लिया है। आप सोच रहे होंगे इतना ऑयल क्यों, तो यहाँ पर हम अभी कोफ्तों को फ्राई करेंगे, इसीलिए ऑयल हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। सारे कोफ्तों को हम इस तरह से शेप देके ऐड कर देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐड करने से थोड़ा टाइट हो जाते हैं कोफ्ते। तो जब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बेसन ऐड करते हैं तो क्या होता है कि आप परफेक्ट गोल शेप दे सकते हैं कोफ्ते को। तो यहाँ पर देखिए, एकदम परफेक्ट शेप तो नहीं, बट मैंने अकॉर्डिंगली दे दिया क्योंकि हम घर पे ऐसे ही बनाते हैं। बस कुछ ऑयल जो बचा था मैंने निकाल के इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। थोड़े से खड़े मसाले अपने पसंद के आप इसमें ऐड कर दीजिए। तेज पत्ता मेरे पास है, आज मैं ऐड कर रही हूँ उसको। यहाँ पर अनियन गार्लिक आप खाते हैं तो इसमें चॉप करके या फिर पीस के, यानी कि ग्राइंड करके ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर या फिर येलो चिली पाउडर आप ऐड कर देंगे। इसके साथ में 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेना है। जब ऑयल रिलीज हो जाए तब मान लीजिएगा मसाले आपके पक चुके हैं। तो आज हम बिना प्याज लहसुन के कोफ्ते की ग्रेवी बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कैसी ये अच्छी बनेगी, गाढ़ी बनेगी, तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है कि जो अंदर वाला पार्ट होता है लौकी का, उसको भी ग्राइंड कर लीजिए टमाटर के साथ में, जिससे कि आपकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी और वेस्ट भी नहीं होगी लौकी। अब जो मिक्सचर है, देखिए कलर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा टमाटर का कलर नहीं आया है रेड सा। तो यहाँ पर हमने इस ग्रेवी के लिए इस मिक्सचर को जो हमने ग्राइंड किया है वो ऐड कर दिया है। इसको पका लेंगे हम कुछ देर के लिए। धीमी से मध्यम आंच तक इसको आप पका लीजिए।
थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो जल्दी कुक हो जाएगा। कवर कर दीजिए 2 मिनट के लिए। और देखिए ये पक चुके हैं मसाले आपके, ग्रेवी तैयार है। अब आपको एकदम गाढ़े कोफ्ते चाहिए तो उसके लिए आप पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। मैं तो राइस के साथ बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लगभग 350 ml से लेके 500 ml तक पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस बॉईल आने के बाद में आप इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। आप चाहें तो गरम गुनगुने पानी में कोफ्तों को निकाल भी सकते हैं जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, बट मैं इसको ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। सारे कोफ्ते हमने ऐड कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके एज़ पर द टेस्ट और गरम मसाला ऐड करके आप इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दीजिए। ये हमारे कोफ्ते तो तैयार हैं 10 मिनट बाद। इसको धनिए के साथ में गार्निश करूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे धनिया डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे राइस या चपाती के साथ में। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चपाती के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा और गाढ़ा रेसिपी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं इसकी ग्रेवी को, बट मैं राइस के साथ बना रही हूँ। राइस के साथ इतनी कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर हमारी देखिए एकदम टेस्टी से कोफ्ते और बहुत गाढ़ी ग्रेवी के साथ में कोफ्ते हमारे तैयार है। तो कौन कहता है बिना प्याज लहसुन के सब्जियाँ या फिर कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह से कोफ्तों को ट्राई कीजिए बिना लहसुन प्याज के, बहुत ही टेस्टी। आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट ऐड किया है हमने। Enjoy this recipe and don't forget to subscribe us on YouTube and follow us on Facebook. Instagram पर भी follow कीजिएगा जहाँ पर आपको healthy tips और shorts recipes मिल जाती हैं, fit diet for your food को Instagram and Facebook पर ज़रूर follow कीजिएगा जहाँ पर आपको बहुत सारे healthy tips मिल जाएंगे। मिलते हैं next recipe में, तब तक के लिए bye bye.